ये भैया हमारे लिए, हम लोग को देख के हम लोग के लिए लेके आए खाने और पीने का, पानी का। सांस ले रहे हैं ना, तो ठंडा ठंडा सांस जा रहा है। तो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अब हम लोग नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे, रात में पहुंच गए थे और काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और थक गए थे, इस वजह से रात में हम लोगों ने अपडेट नहीं दे पाए, नई वीडियो बना पाए। सो अब मॉर्निंग में हम लोग बना रहे हैं और टाइम आ गया है भैया को भी बाय बोलने का, तो उनसे बाय बोल के अब हम लोग निकल रहे हैं। तो अब हम लोग सिलीगुड़ी के नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं और डायरेक्ट अब यहाँ से सिलीगुड़ी जो है बचा है अपना 50 किलोमीटर्स बचा हुआ है और हम लोग आज सिलीगुड़ी किसी भी हालत में पहुँच जाएंगे। और आप यहीं पे नॉर्थ ईस्ट से ही हम लोग स्टार्ट करना चाहते थे, बट आपको पता है जैसा कि ट्रेन की वजह से जो हुआ, तो हम लोगों ने ऑन रोड ही सोचा, सो ऑन रोड ही करते हैं सब कुछ। और हम लोग अब हाईवे पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से चेकिंग स्टार्ट कर देंगे। आ गए हैं नेशनल हाईवे पे और यहीं से चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग को मिल भी जाएगी लिफ्ट और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर मिल गई सही टाइम पे, 50 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, लगेगा 2-3 घंटे हम लोग पहुँच जाएँगे। तो अभी हम गलगलिया गाँव, एक नाम है गलगलिया गाँव का, वहाँ पर हैं। ये एक्चुअली बिहार बॉर्डर और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में ही है और ये गलगलिया जो गांव है ये बॉर्डर पे ही है। तो अभी हम लोग बिहार बॉर्डर क्रॉस करे हैं और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे जा रहे हैं। सो यहाँ पे पाइनएप्पल के कुछ, मतलब पाइनएप्पल की खेती होती है। ये देखिए कि पाइनएप्पल लगे हुए हैं अपने। तो अब लोग बिहार से निकल करके आ गए हैं वेस्ट बंगाल में। यहाँ से वेस्ट बंगाल की जो सीमा होती है वो स्टार्ट हो गई है। तो वेलकम गाइस टू वेस्ट बंगाल। ये रहा, ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ये देखिए। वो अब ऐसे लिफ्ट लिए हैं, ऐसे लटक के जा रहे हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिली है, जितनी मिली है उतनी ले लो। वेस्ट बंगाल में एंटर होने के बाद ये पहली लिफ्ट है जो 2 किलोमीटर की सिर्फ मिली है, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिए। 2 किलोमीटर तो कम पड़ेगा पैदल चलने का। आ चुके हैं भैलू खेड़ा में और आज लिफ्ट मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी तक की सुबह से अभी तक पहली लिफ्ट मिली है जो कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर की थी। और हम लोग अब फिर से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, ये थोड़ा सा घर पर बने थे, कस्बे टाइप का था, वहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ से फिर से स्टार्ट ट्राई करते हैं, मिल जाता है कुछ तो। हमें दूसरी लिफ्ट फिर से मिली थी 1 किलोमीटर के लिए और हम लोग थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो गाइस, ये भैया हमारे लिए, हम लोग को देख के हम लोग के लिए लेके आए खाने और पीने का, पानी का। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भाई। कल आपकी वीडियो जरूर आएगी। ओके बाय, वीडियो जरूर देखना। ओके ठीक है। सो देखिए भाई, कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं हम लोगों को। वो भाई हम लोग को देखे काफ़ी टाइम से, हमने भी देखा कि वो हम लोग को देख रहे हैं और उन्होंने आ करके, वापस आ करके 1 किलोमीटर दूर हम लोग को ये पानी और स्नैक्स ये सब दिया है खाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में ऐसा हम लोग को मिला। लिफ्ट मिल चुकी है डायरेक्ट सिलीगुड़ी के लिए और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे मॉर्निंग से, लिफ्ट मिल नहीं रही थी। ये हम लोग की तीसरी लिफ्ट थी। बॉस आ रहा था पीछे, बॉस। हाँ पीछे बॉस है, बॉस बॉस। और यहाँ पे 7-8 मतलब हाथी जो हैं रहते हैं, तो उन लोगों को खाना वाना खाना होता है। तो वो लोग रोड, अपनी जो रोड है
उसको क्रॉस करके इस साइड आते हैं, इस साइड आते हैं खाना वाना खाने के लिए। काफ़ी कभी कभी देखते हैं, बट वो कभी किसी इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं सिलीगुड़ी से 3-3.5 किलोमीटर पहले ही। जो हमें लिफ्ट मिली थी वो मुझे उन्होंने भी यहाँ पर उतार दिया, हमें दूसरी साइड जाना था तो उन्होंने हमें यहाँ पर उतार दिया है। और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भूख लगी बहुत ज़्यादा, थक गए हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी तेज़ धूप है तो हम लोग अंदर से एनर्जी बिल्कुल ही लो हो गई है। तो ना ही ब्लॉग बनाने का मन, वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना ही आगे चलने का मन कर रहा है। तो हम लोग कुछ खा लेते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले भैया मिले थे उन्होंने जो दिया है वही सब कुछ खाते हैं। तो अब हम लोग फाइनली सिलीगुड़ी पहुँच चुके हैं और सिलीगुड़ी सिटी वैसे है तो अच्छा, बट हम लोग को थोड़ा सा माउंटेंस की जगह पर जाना था, गाँव की साइड जहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर सके, सब कर सके। सिटी में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कैंपिंग करने के लिए। और ये ऐसा एरिया है यहाँ का, अरेंजमेंट कर लेंगे कहाँ पे हम अपना टेंट लगाएंगे। सिलीगुड़ी पहुँच चुके हैं सिलीगुड़ी की सिटी में और अब हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ, क्योंकि सिलीगुड़ी में हिल स्टेशन टाइप में इतना नहीं है तो हम लोग दार्जिलिंग की तरफ से ही जाएंगे, वहाँ पे है। और अगर दार्जिलिंग यहाँ से 60 किलोमीटर, अगर वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं आज तो ठीक है, वो नहीं पहुँचते तो रास्ते में ही कहीं कैंपिंग कर लेंगे और वहीं खाना वाना खा करके सो जाएंगे, मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट करेंगे। कम से कम 1 घंटे तक ही ट्राई किया है लिफ्ट के लिए, बट हम लोग को कोई भी लिफ्ट नहीं मिली है। और यहाँ से वैसे 60 किलोमीटर्स की रेंज पे ही है दार्जिलिंग और हम लोग थोड़ा सा आगे और जा रहे हैं, शायद यहाँ पे सिटी से थोड़ा सा पास ही है इस वजह से ना रोक रहे हैं लोग, और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है लोग रोक दें और हम लोग को लिफ्ट मिल जाए और हम लोग डायरेक्ट दार्जिलिंग आज पहुँच जाएँ और वहीं पर फिर हम लोग कैंपिंग करेंगे। टारगेट वही है दार्जिलिंग आज कैसे करके पहुँचना है, क्योंकि सिलीगुड़ी में माउंटेंस और एडवेंचरस इतना नहीं है, सिटी ही है तो सिटी में हम लोग क्या ट्रेवल करेंगे, समझ रहे हैं। और सिटी में जो है कैंपिंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और हम लोग को तो दार्जिलिंग ही जाना है। अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर देखते हैं, वैसे पूरा कोशिश करेंगे कि आज हम दार्जिलिंग पहुँच जाएँ और पहुँच जाएँगे, चिंता मत करिए, दार्जिलिंग पहुँच के आपको मिलेंगे। लोग यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे जो कि हमें डायरेक्ट ऊपर ले जाएगा दार्जिलिंग की तरफ, बट अपने पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है हिचहाइकिंग, क्योंकि इधर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि हिचहाइकिंग हो सके, तो हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया है और यहाँ से हम लोग को दार्जिलिंग ऊपर ले जाने के लिए 250 पड़ेगा, जो कि यहाँ से भी 60 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर है ऊपर हम लोग को ले जाएंगे। तो हम लोग आपको पूरा व्यू दिखा, हम लोग दार्जिलिंग के लिए बिल्कुल ऊपर चढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग को दिखाता हूँ मैं यहाँ का दार्जिलिंग का जितने जो घर हैं कैसे घर होते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं दार्जिलिंग और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, हम लोगों ने नॉर्मल टी शर्ट पहन रखा है और बहुत जल्दी से हम लोग को बैग से कपड़े निकाल के जैकेट वैकेट पहन लेंगे ताकि ठंड ना लगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार यहाँ पे। तो अभी हमको यहाँ से ऊपर जाना है
ऊपर जाके फिर देखते हैं कैंप के लिए कुछ मिल जाता है, कैंप लगाते हैं, बॉनफायर करते हैं, खाना वाना बना के यहीं पे खाएं। बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत तेज़ ठंड लग रही है हम लोगों को, प्लस बारिश भी यहाँ पे ऊपर से पानी पता नहीं कहाँ से गिर रहा है। बड़ी सीधी चढ़ाई है, चढ़ना पड़ रहा है इतना हैवी वेट लेके, थक रहे हम लोग। और हम लोग दार्जिलिंग के सबसे ऊंची जगह पे आ चुके हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, सांस फूल रही है। वीडियो जो है वहीं पे रुक के बनाएंगे, ठंड है तो फिर ठंड में अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो ना प्रॉब्लम हो जाए। सीधी चढ़ाइए, बहुत ज़्यादा थक गए, चलते भी नहीं बनना है। ये देखिए ऐसे चल के जाना है, तो यहाँ कुछ यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। ये देखिए सबसे हाईएस्ट पे हम लोग खड़े, हमसे भी हाईएस्ट पे वो उधर है, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। मास्क पहन रखा है क्योंकि सांस ले रहे हैं ना, तो ठंडा ठंडा सांस जा रहा है तो जुकाम और सर्दी हो सकता है हम लोग को, इसीलिए सबसे पहले जा कर के कपड़े पहनेंगे ठंड के। कुछ ऐसी चढ़ाई है बिल्कुल स्ट्रेट, और ये हमें चढ़नी है कुछ भी करके। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ अपना बनाने के लिए मैगी स्टोव। स्टोव देखिए सब रखा हुआ, मैगी एगी है, सूप बनाएंगे पहले फिर मैगी एगी बाद में बनाएंगे। और ये मेरा टेंट है, इसी में अंदर मैट वेट सब पड़ा हुआ है। ये देखिए गाइस अपना मैट पड़ चुका है, ये अपना स्लीपिंग बैग है, अपने बैग्स रखे हुए हैं, शूज़ हैं। तो हम लोग दार्जिलिंग के सबसे ऊपर पार्ट में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेंपल है, वहाँ पे हम लोगों ने ये आज स्टे किया है परमिशन लेके यहाँ पे, और यहीं पे टेंट लगा लिया, और यहीं पे मैगी वैगी बनाएंगे, सूप बनाएंगे और चाय भी बनाएंगे, बना के खा लेंगे। आग का भी पूरा अरेंजमेंट है, आग भी जलाएंगे और ताकि ठंड ना लगे, और फिर अपने टेंट में चले जाएंगे, सो जाएंगे। और मॉर्निंग में फिर हम लोग अब हम जाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं फिर आगे।